भाई साहब क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यार। टोकन लेगा तो भी आपके आगे दर्शन हो पाएंगे। हमारा हाल फिलहाल रहना फ्री है, इवन खाना भी फ्री है। क्या ही बर्फ पड़ी हुई है, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यार। और सामने मंदिर है भाई साहब, एक अलग ही लेवल का माहौल है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखो जी मंदिर के आपको हर एंगल से दर्शन करा दिए। आप जरूर रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। भाई साहब क्या ही खूबसूरत नजारा है यार। डर भी लग रहा है देखने में, और खूबसूरत तो बहुत ज्यादा लग रहा है। वो ऊपर भैरव टेम्पल है, और इस साइड कुछ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। आगे ये ब्रिज है जो टूटा हुआ है, और यहाँ से हेलीपैड चलता है। फिलहाल रोक रखे हैं मौसम खराब होने की वजह से। बाकी अभी चलते हैं मंदिर की चोटी। आपको ये नज़र आई नहीं आई, ये मंदिर की चोटी है, ऊपर की भवन का गुंबद। भैया स्कैनिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं। टोकन मिलेगा यहाँ से, टोकन मिलेगा तो भी आपके आगे दर्शन हो पाएंगे। बढ़िया जी बढ़िया। भाई साहब बहुत ही बड़े लेवल पे काम चल रहा है यहाँ कंस्ट्रक्शन का। वो एक पुल था वहाँ पे, वो टूट गया है, और यहाँ देखो जबरदस्त काम चल रहा है। मतलब अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, पर टाइम लगेगा इन चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है यहाँ पे, बारिश होती है या स्नोफॉल होता है। कि हम पहुँच गए बिल्कुल मंदिर के पास, पर इसका जो असली नज़ारा हम आपको शाम को कराएंगे। ये देखो यहीं से एक दर्शन कर लो, शाम को आएंगे, अब लाइटिंग वाइटिंग होगी। अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना दर्शन करके वापसी चले जाते हैं, और 5 बजे तक वैसे ही मंदिर बंद रहता है। तो गाइस जहाँ हम आके रुके ना, वहाँ इतना बड़ा और बहुत ही खूबसूरत त्रिशूल है शिव भोले का, और वो रहा मंदिर। और हम आ गए यहाँ पे, ये है एक आश्रम, और यहाँ पे हमारे कुछ जानकारों ने ऑलरेडी स्टे कर रखा था, तो इन्होंने कहा भैया यहीं आ जाओ, तो हम आ गए यहीं। आश्रम की डिटेल मैं दूंगा, पहले पूछ लेते हैं स्वामी जी से कि हम जा रहे हैं दर्शन करने जिनका ये आश्रम है। तो और ये सारे सामान को लेके जा रहा हूँ चार्जिंग पे लगाने के लिए। रात को अभी दर्शन कराऊंगा आपको केदारनाथ टेम्पल के। रात का जो माहौल है, जो नज़ारे हैं, जो लाइटिंग का जो खूबसूरत से सजाया हुआ है, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। तो बने रहिएगा, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस जैसे कि आपको पता, फाइनली हम पहुंच चुके थे केदारनाथ यात्रा पे, और हम पहुंच चुके थे बिल्कुल ऊपर भवन के पास। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था, लास्ट आपको दिखाया था, और उसके बाद कुछ हमारे जानकार मित्र ऑलरेडी ऊपर पहुंचे हुए थे, उसका हमें फ़ायदा ज़रूर हो गया। उन लोगों ने हमें बुला लिया। एक्चुअली हम जहाँ आ गए हैं, देखो शिव त्रिशूल कितना ही खूबसूरत है, और ये एक्चुअली में है आश्रम, और यहाँ पे कुछ दोस्त हमारे रुके हुए थे, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। बकायदा कैंप जो लगे हुए उनसे बेटर है। ये लोहे का पूरा जो बना होता है, आर्मी कैंप होता है ना जैसे, उस तरह से कैंप बना हुआ। तो यहाँ पे हमारा हाल फिलहाल रहना फ्री है, इवन खाना भी फ्री है, इवन बिजली भी है। आपको सच बताऊँ तो यहाँ पे आप किसी और कैंप में रुकेंगे ना पूरे आपके केदारनाथ के अंदर, तो वहाँ पे आपको कहीं भी लाइट नहीं मिलने वाली, सोने में भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनके जो टेंट है ना वो है डीकैथलॉन वाले। रात को इतनी ज़बरदस्त ओस पड़ती है ना, क्योंकि हम रात को रुके थे, आपको पता होगा नीचे भीमबली पे बहुत बुरा हाल हुआ था। तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप आ रहे हो, देखो एक ऑप्शन है, अदरवाइज आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली आप रुक सकते हो, सरकारी कैंप भी है, वहाँ बुकिंग होती है। तो अभी हम चल रहे हैं आरती दिखाने आपको केदारनाथ धाम की। तो भाई लोग हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास, और आपको इस वक्त रात का नज़ारा दिखा रहा हूँ। जो इस वक्त खाली पर नज़र आ रहा है, ये खाली पर आपको सुबह नहीं नज़र आने वाला। आसपास काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। आप देखो काफ़ी सारे नए होटल्स वगैरह बन चुके हैं। मंदिर में आरती स्टार्ट हो गई है, चलते हैं आरती लेते हैं और प्रसाद लेते हैं। ये होटल्स वगैरह धर्मशाला हैं जो प्री बुक होती है पहले से ही। यहाँ का लोकल का है या लेके आयो नीचे से? नीचे से लेके आयो भाई। और डर क्यों रहा है बेटा? डर रहा है, ये नीचे से लेके आयो? कहाँ से आ जाओ लेके? देहरादून से, पिछली बार भी हस्की आया था इसलिए लेके आयो। ये बात, क्या ही बर्फ पड़ी हुई है, क्या ही खूबसूरत नजारे हैं यार। सामने मंदिर है, वो आश्रम का नाम है वैसे ललित आश्रम, अगर आप चाहो तो वहाँ स्टे कर सकते हो। थोड़ा रास्ता हट गया है, पूछना पड़ेगा अंदर जाके, फ्री में स्टे हो जाएगा, खाने का भी सुविधा है, गर्म पानी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, पर कुछ उनकी कंडीशन है उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई लोग पहले से पहुंचे हुए थे, इवन ये डोली के साथ आए थे। तो ये डोली का अगर ब्लॉग देखना चाहते हो डेफिनेटली देख सकते हो, इसका है ट्रैवल विदाउट पैसा, और ये है एसपीटी ब्लॉग। सर ललित जो आश्रम है, साल मेरे लिए इन लोगों ने, मतलब इन भाइयों ने खोज करी है, तो उम्मीद सकता हूँ ये खोज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए भी ये खोज हो। तो दोस्तों ये वो नज़ारे हैं जहाँ हम पिछली बार सुबह के वक्त लाइन में लगे हुए थे, अगर आपने पिछले केदारनाथ के मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो यहाँ लंबी लाइन सुबह भी लग जाएगी, अभी रात को नहीं लगने वाली, क्योंकि रात को वही लोग रुकते हैं यहाँ पे जिन्होंने स्टे करना होता है, और ज़्यादातर लोग दर्शन करके वापसी चले जाते हैं 1 बजे से पहले, क्योंकि 1 बजे इसके कपाट बंद हो जाते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और शाम को होती है आरती। और आसपास जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, मत पूछिए क्या ही खूबसूरत है। बर्फ़ पड़ी हुई है, सुबह के वक्त यहाँ खूब सारी भीड़ होने वाली है, इसी के लिए इन्होंने ये बैरिंग लगा रखे हैं। ये देख रहे हो कितना जबरदस्त माहौल है,
यहाँ कल से आपको और ज्यादा भीड़ दिखने वाली है, क्योंकि ये जो यात्रा है अगले 6 महीने तक रहने वाली है। बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं दूर दूर से, और कई तो ऐसे बेचारे सुबह आते हैं, दर्शन करते हैं और शाम तक वापसी पहुंच भी जाते हैं। और ज्यादातर बुजुर्ग भी देखेंगे आपको, काफी सारे एजिड लोग ग्रुप आ रखे हैं। मेरे ख्याल से कोई भी मजे 50 प्लस ही होगा, उससे कम कोई भी नहीं होगा। आंटी आप कहाँ से आए हो? एमपी से। दूर दूर से लोग आ रखे हैं यहाँ दर्शन के लिए, महादेव की इतनी ज्यादा मानता है। इंडिया क्या, इंडिया से कुछ जो बाहर के लोग होते हैं वो भी इंतजार करते हैं कि ये कब खुलेगा और हम कब जाएंगे। क्या ही बात है, हर हर भोले हर हर महादेव, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो भाई साहब दर्शन कर लो, इस वक्त आरती चल रही है, क्या ही कहा जाए, क्या ही माहौल है, क्या खूबसूरत सजाया हुआ, ये सुबह दिखेगा आपको। भाई साहब एक अलग ही लेवल का माहौल है। तो ये आरती तो चली रही है, आपको सुबह वैसे दर्शन कराएंगे। देखो जी मंदिर के आपको हर एंगल से दर्शन करा दिए हैं, कमेंट में महादेव हर हर भोले जरूर कर देना। यहाँ पे दूर दूर से ही आते हैं योगी तपस्या करने, इस टाइम पे खास कर इतनी ठंड में ये यहीं रहते हैं, यहीं बैठते हैं। भैया नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई एडवांस के साथ अभी नई चीजें आ गई है, पेटीएम इन्होंने रखा हुआ है। कोई दान पेटी में, अगर आज के टाइम में कैश नहीं रखता है तो दान पेटी के थ्रू दान कर सकता है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छे फोन के। और यहाँ पे ना पानी आता रहता है ऊपर से, आप चाहो तो इसको भर के घर ले जा सकते हो, बहुत मानते हैं इसकी भी। और यहाँ से भी एक बड़ी झलक दिखा देता हूँ आपको, हर एंगल से मैंने केदारनाथ टेम्पल दिखा दिया भाई, अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊंगा बहुत अलग है, पर यहीं से देखो जूम करके थोड़ा बहुत हो सकता है तो आपको दिखा देते हैं। महादेव जी का जो शिवलिंग है ना वो अंदर जाके ना राइट साइड पे, जब एंट्री वहां से होती है ना सीधा जाते हो सामने यहाँ पे होता है। और इस वक्त जो इतनी स्नो है, इतनी स्नो है, आप खुद देख लीजिए कितनी बर्फ है, -4 है, रात को -10 तक चले जाएगा टेम्परेचर, पर बाबा ने हमें बुला ही लिया आखिरकार। बाबा जी हर महादेव, आप यहीं रहते, यहीं सोओगे रात को, और आपने तो पहना भी नहीं कुछ, ठंड लगेगी। तो इस साइड लंगर है, लंगर कर लें भैया रात के वक्त, यहाँ पे लंगर चलते हैं, ये चीज अच्छी है। तो भैया आ गए हम लंगर खाने, क्योंकि आपको मालूम होगा जब केदारनाथ यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं लंगर लगाते हैं, भैया हम भी आ गए। भैया ऐसे मौके को छोड़ने चाहिए, ये प्रसाद है जो कि हमेशा आपको जहाँ भी मिले जरूर चखना चाहिए। और यहाँ लंबी लाइन लग चुकी है हमारे पीछे, अगर आपको दिख रही होगी, क्योंकि आरती जैसे खत्म हुई सब लोग यहाँ पे टूट पड़े हैं जिन लोगों को मालूम है। तो आपको ये बेसिक चीजें बता रहे हैं, अगर आप यहाँ आ रहे हो ज्यादा टाइम रुकने का आपका मूड है पर आप बजट के कारण नहीं रुक पाते हो, तो भैया यहाँ आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। खाना भी फ्री है, रहना भी फ्री है, और बाकी तो फिर आप रोज आरती करिए, रोज भगवान का नाम लीजिए और प्रभु के गुण गाओ और प्रभु की रोटी खाओ, रोटी खाओ। तो बस अभी खाना लेते हैं, खाना खाते हैं। सर जी ये जो लंगर लगता है कौन लगाता है? आप लोग आर्मी वाले? नहीं जी ऐसी बना रखा है। अच्छा जी, हम सब अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। अच्छा आप अपनी तरफ से लंगर लगाते हैं, कहाँ से सर वैसे अपनी ये जो संस्था बनाई है? गोपेश्वर से। गोपेश्वर से आपने बनाई है। हम लंगर खाते हैं और जय भोले करते हैं। ये महादेव मंदिर बाहर से तो आपने देख ही लिया था, बाहर नंदी जी की इतनी खूबसूरत मूर्ति है, देखिए क्या ही बात है। गेट हो चुके हैं बंद, सुबह खुलेंगे कपाट। हर हर भोले, हर हर भोले, जय भोले, हर हर महादेव। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ तक करा है मैं आपके साथ अभी तक शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट ऑलरेडी बता चुका हूँ, चार धाम नाम से आप सर्च करोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। आप जरूर रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ जब भी आप आ रहे हो कुछ प्लानिंग एग्जैक्टली मत करके आना कि आप सोचो कि मैं एक दिन में यात्रा करके वापसी आ जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी भी आपको रोक दिया जाएगा, यात्रा को रोक सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम बाइक से आ सकते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे हम गाड़ी से आ सकते हैं। आप हर तरह से आ सकते हो, हर तरह से आप पहुंच सकते हो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है नीचे सोनप्रयाग तक का। पर आपको एक चीज बता दूं कि भैया वहां तक पहुंचने के लिए इतनी ज्यादा जाम है, इतनी भीड़ भड़का कि आप लोग परेशान हो जाओगे। तो कोशिश ये करिएगा कि ऐसी सुविधा के साथ आओगे आप इजिली पहुंच जाओ। जब वहां पहुंचोगे सोनप्रयाग में, तो स्टे की अगर बात किया तो स्टे वहाँ पे काफी ज्यादा महंगा है और वो क्वालिटी का भी नहीं है। अगर आप सोचो कि 4000 पे रूम के देने हैं, उस लेवल का, उस क्वालिटी का भी नहीं है। तो ये माइंड भी मेकअप करके आना, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जब आप यात्रा स्टार्ट करते हो तो यात्रा सोनप्रयाग से आपकी 21 किलोमीटर की, जिसमें से आप 5 किलोमीटर वहाँ एक लोकल गाड़ी चलती है उसके साथ कर सकते हो, जो कि आपने मेरे ब्लॉग में देख लिया होगा। बाकी आप यात्रा करते हुए आएंगे तो बीच में आपको जो जो पड़ने वाली है सबसे ज्यादा वो आपको विंडशीटर छाते की, ठीक है दोस्तों, और कम से कम सामान के साथ ऊपर आना, ठीक है दोस्तों। और कुछ पूछना चाहते हो? देखो मैं कुछ भूल गया हूँ तो
कुछ नहीं कर सकते। अगर पूछना चाहते हो तो भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ट्रैवलर जतिन के नाम से, आप वहाँ से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो ज़्यादा डिटेल के लिए। और वीडियो अच्छी लगे हो तो भैया लाइक जरूर मार देना। अभी तक की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हर हर भोले हर कमेंट में, अगर आप वाकई में भोले के भक्त हैं तो जरूर कर देना। हर हर भोले हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय गाइस। बाय 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 बाय।